हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए क्या कहता है। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक का शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसको आपको क्या शो करना है, ये शो करना है। ये क्यों शो करना है, क्योंकि ये होती है सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। क्या होती है, अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक, मतलब आपने रो और कॉलम इंटरचेंज किया पर मैट्रिक्स की शक्ल नहीं बनती, सेम है, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो चलिए इस पार्ट के लिए हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है और चेक करना है कि वो ए के इक्वल आता है या नहीं। देखिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1-1 और 5 क्या बन गए, कॉलम बन गए। फिर सेकेंड -1, 2 और 1 इस तरीके से आपको बना रहे, -1, 2 एंड 1। देन ये 5-1-3 लिखा है, इसको कॉलम बना दिया आपने, 5-1-3। अब ध्यान से देखो, ए ट्रांसपोज ये है और ए ये है, ये दोनों सेम है या नहीं। सेम होने के लिए क्या होना पड़ता है, हर एलिमेंट भी सेम होना पड़ता है साइज के अलावा। तो यहाँ पे हर एलिमेंट तो सेम है ही, तो आप लिखोगे एज ए इज इक्वल टू सेम, यही वाली मैट्रिक्स, ठीक है ना, यही वाली सेम है, इक्वल आ रहे हैं तो हम लिख देंगे। हमें ये तो लिख के दिखाना पड़ेगा ना कि जो हमने ए ट्रांसपोज निकाला है और ए ये है, तो फिर आप लास्ट में लिखोगे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हेल्प सिमेट्रिक 5-1 एंड 3। तो लिख लो हियर, मतलब यहां पे ए जो है वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल है, तो इसलिए आप लिखोगे हेंस। ये देखो ये 3 डॉट लगाई ना मैंने, इसका मतलब है देयरफॉर, हेंस या इसका मतलब कि इसलिए ए इज सिमेट्रिक। ओके, चलिए अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, जहां पर कि हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है और वो क्या कह रहे हैं कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक आपको शो करना है। देखिए मैंने शायद पहले भी बताया था आपको, इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी समझाया था कि जब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है ना, तो उसकी जो डायगनल पे जितनी भी एंट्रीज है वो क्या होती है, 0 होती है। ये देखिए डायगनल एंट्रीज हो गई, ये और ये सारी क्या है, 0 है ना, तो उस डायगनल पे हमेशा हमें 0 मिलेगा। तो तुम्हें देख के थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि हाँ ये हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो हमें लेकिन चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए क्या चेक करना होता है, ए ट्रांसपोज फाइंड करना होता है। और अगर वो माइनस ए के इक्वल आ गया, यानी कि आपने ए ट्रांसपोज निकाला और आपने देखा कि ए में अगर हम -1 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों सेम आएंगे या नहीं। अगर सेम आएंगे तो हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए ए ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं। देखिए आप साथ साथ बोलेंगे मेरे, ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना होता है, रो और कॉलम को क्या करना होता है, इंटरचेंज। तो 0-1-1 यहां आ गया, 0-1-1 साथ साथ बोलोगे, -1, 0, 1 यहां क्या आ गया, -1, 0, 1 और तीसरे में क्या आ गया, 1-1, 0, 1-1, 0 ठीक है। अब इसको चेक करो कि माइनस ए के इक्वल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस निकालेंगे, मतलब माइनस ए निकालेंगे। ऑल्सो यहां पे क्या लिखोगे, ऑल्सो कि इसके अलावा हम क्या निकाल रहे हैं, माइनस का ए निकाल रहे हैं। तो ये रहा ए, इसमें क्या करो, पूरे में माइनस, हर एक एंट्री को माइनस से इंटू यानी कि गुणा कर दो, ये तो 0 ही रहेगा। ये क्या हो गया, -1 यहां लिख रही हूं, ये क्या हो गया, -1 था तो ये क्या हो गया, +1 ठीक है। फिर आगे ये -1 था तो ये क्या बन गया, +1 ये 0 है तो 0 ही रहेगा, ये 1 है तो -1 और तीसरी रो में -1 यहां से देखो +1 और 0। अब जरा चेक करो ये तो कतई सेम आ रहे हैं, आ गए ना,
तो बस काम हो गया, लिख दो हियर, मतलब यहाँ पे ए ट्रांसपोज, ऐसे देखो तरीके से लिखना है, अगर पेपर में आता है क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे मस्त मैनर्स में लिखना है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तीन डॉट लगा दी, सो लिख लो, हेंस लिख लो, देयरफॉर लिख लो, एक ही बात है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे शॉर्ट फॉर्म मत लिख देना पेपर में, स्क्यू सिमेट्रिक। चलो हो गया काम, शो कर दिया हमने जो करना था, होपफुली समझ में आएगा। इस तरीके के और जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उन्हें ट्राई करो और देखो कि आपको कितना समझ में आया। थैंक यू।